हरदा पटाखा फैक्ट्री की घटना को लेकर कांग्रेस सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाए। कांग्रेस ने कहा कि जिला प्रशासन की नाक के नीचे संचालित हो रही थी फैक्ट्री, कई बार शिकायत होने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। हरदा में इतना बड़ा हादसा हो गया, सैकड़ों मजदूर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। ऐसे में हरदा जिला कांग्रेस अध्यक्ष ओम पटेल का एक बयान सामने आया है, जिसमें वो मजदूरों को सांत्वना देने के बजाय आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सुनिए जरा ओम पटेल के बयान को। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा हादसा हरदा जिले में हुआ है, निश्चित है जिला प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुआ है, और यहाँ से यदि सुविधा नहीं पहुंचेगी तो बहुत सारे सैकड़ों लोग जो आज घायल स्थिति में हैं, यदि उनको बचाना है, ईश्वर मैं करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो स्वस्थ हो जाएं। और ये बिल्कुल है कि आज पूरे, मैं तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि हरदा जिले पे पूरा ध्यान देके और पूरी चीजें यहाँ से अवेलेबल कराएं, ताकि लोगों को वहाँ सुरक्षा हो जाए और चोरों का जीवन बच जाए। मंत्री जी को खुद को जाना चाहिए, आज इतना बड़ा हादसा है, मोहन यादव जी को वहाँ स्पॉट पे पहुंचना चाहिए हरदा के अंदर कि ये किस प्रकार से जिला प्रशासन के नीचे कार्रवाई हो रही थी और आज इतना बड़ा हादसा हरदा शहर में हुआ है, मुख्यमंत्री जी को तुरंत जाके संज्ञान लेना चाहिए। इधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के काल में अकाल मौतों का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार में धाराजी, पेटला वध, बस अग्निकांड जैसी मानव निर्मित दुर्घटनाओं में सैकड़ों लोगों की जनहानि हुई थी। उसी तर्ज पर मोहन यादव सरकार में भी भाजपा ने अपनी इस कलंक गाथा को आगे बढ़ा दिया है। धाराजी के कांड में सैकड़ों मौतें हुई, कोई हल किसी को सजा नहीं हुई। इसी तरह लगातार अग्नि दुर्घटना जो बस का हुआ, किसी को सजा नहीं हुई। और अब हरदा में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से कितनी मौतें हुई होंगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि कम से कम 5-6 दर्जन लोग फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे। फैक्ट्री इतना भयानक विस्फोट हुआ है कि उसके परखचे उड़ गए फैक्ट्री के। सड़क पर चलते हुए राहगीरों को उनकी मोटरसाइकिलें आग के हवाले हो गई हैं, उन्हें भी चोट लगी है, वो घायल हुए हैं। कितनी मौतें हुई होंगी इसकी कल्पना की जा सकती है। मैं मांग करता हूँ प्रदेश कांग्रेस की तरफ से कि सरकार तत्काल जुडिशियल इंक्वायरी बिठाए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।